नमस्कार दोस्तों, रेनाटेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक्सेल में नंबर फॉर्मेट का उपयोग कैसे करते हैं। मैंने इसका पार्ट वन वीडियो बना रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि नंबर्स, करेंसी, अकाउंटेंसी और परसेंटेज का उपयोग मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं इससे आगे का फंक्शन जो है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियोरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियोरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सेल को ओपन किया और यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट, टाइम, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, फ़ोन नंबर, सिक्योरिटी नंबर, फ्रैक्शन। आज इन्हीं सब के बारे में हम बताने वाले हैं कि इनका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो दोस्त आप इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डेट है, चलिए डेट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डेट डालते हैं, अगर कोई बिना इसमें फंक्शन लगाए हुए, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से दिखता है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई डेट हम यहाँ पर डालते हैं, तो जब हम मैनुअली डेट डालते हैं तो सबसे पहले हम मंथ डालते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए यहाँ पे कोई मंथ डालते हैं। तो यहाँ पे मैं 7वें महीना डाल देता हूँ और 8 तारीख डालता हूँ और 2018 डालता हूँ। ठीक है दोस्त, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंपल तरीके से दिख रहा है। अगर मैं इस पर डेट का फंक्शन यूज करूँ तो कैसे दिखेगा, तो चलिए हम इस पर फंक्शन यूज करते हैं जो डेट का है। यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आते हैं नंबर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं मोर नंबर्स फॉर्मेट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डेट सिलेक्टेड है और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर जो आपको सैंपल के तौर पे यहाँ पर दिखा रखा है, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पहले संडे मंडे के जो भी दिन होगा वो दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पर मंथ और डेट और फिर यहाँ पर सन दिखाई देगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम इसे सेलेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ओके करते हैं तो दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हैच हैच दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो नंबर है ना, यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कॉलम को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्त, तो देख सकते हैं यहाँ पर संडे और जुलाई यहाँ पर 8 तारीख 2018 दिखा रहा है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम यहाँ पर कोई और फॉर्मेट यूज करते हैं। यहाँ से फिर से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ही किया है और यहाँ पर फिर से मैं डेट पर क्लिक करता हूँ और नंबर फॉर्मेट के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं, आपको जो भी फॉर्मेट यूज करना है दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ मंथ का करता हूँ, यहाँ पे मैंने एम को सेलेक्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। तो दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 7वें महीने दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर 7वें महीने डाल रहा था, जुलाई डाला था। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आप यहाँ पर फंक्शन में भी देख सकते हैं 7वें महीना है। ठीक है दोस्त, अगर आप यहाँ पर नीचे भी डालना चाहते हैं, चलिए मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है दोस्त, और इसे मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मोर नंबर्स में चलते हैं और यहाँ पे कोई और सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले मंथ है, उसके बाद डेट है, इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे उसे ओके कर देते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई 18 दिखा रहे हैं, यानी 7वें महीने 2018 दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर डेट नहीं दिखा रहे, पर आप यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ फंक्शन के अंदर दिखेगा कि कौन सा डेट यहाँ पर सेलेक्टेड है। ठीक है दोस्त, अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि 7वें महीने, अगर मैं यहाँ पर 8वें महीने कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, मैंने 8वें महीने कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगस्त 2018 दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट के अंदर जाइएगा आप और मोर नंबर्स फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट मिलेगा, आपको जो भी आपको यूज करना हो आप कर सकते हैं। चलिए मैंने इससे सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो कुछ ही इस तरह से आप अपना फॉर्मेट दिख रहा है। इसके बाद आता है टाइम। यहाँ पर जो टाइम का फॉर्मेट है, हम यहाँ पर चलिए टाइम डालते हैं, कोई भी एक टाइम डाल देते हैं, 7 और 12 मिनट और यहाँ पे सेकंड भी डाल देते हैं, 23 सेकंड, 7:00। मैंने कोई अभी फॉर्मेट नहीं यूज़ किया है, तो चलिए यहाँ पे कोई फॉर्मेट यूज करते हैं। इससे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है दोस्त, अभी चलिए इस पर हम फॉर्मेट लगाते हैं। नंबर्स फॉर्मेट के अंदर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट है। चलिए यहाँ पर कस्टम पर भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम टाइम सेलेक्ट कर देते हैं। टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, फॉर्मेट मिल रहे हैं, आपको जो भी फॉर्मेट यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कोई एक फॉर्मेट यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम का फॉर्मेट है, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर जो भी फॉर्मेट लेना है आप ले सकते हैं। चलिए हम इससे ले लेते हैं और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सैंपल के तौर पर यहाँ पर दिखा भी रहा है, ओके कर देते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम का फॉर्मेट है ये चेंज हो चुका है। इसके बाद अगर हम कोई यहाँ पे दूसरा फंक्शन यूज करें, दूसरा कोई फॉर्मेट यूज करते हैं, यहाँ पे फिर से मोर नंबर्स फॉर्मेट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कोई और फॉर्मेट हम यूज करते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मेट को हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसे ओके कर देते हैं। तो कुछ अपना टाइम कुछ इस तरह से शो हो रहा है।
अब यहाँ पे हम जो भी टाइम डालेंगे अपना टाइम इस तरह से शो होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप फंक्शन के पास देखिएगा तो यहाँ पर जो मैं जो इक्वल टाइम है, एक्चुअल जो टाइम है यहाँ पर शो होगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद हम चलते हैं साइंटिफिक में। साइंटिफिक में क्या होता है दोस्त, अगर हम ज़्यादा नंबर डालते हैं ना, ये ऑटोमेटिक कुछ साइंटिफिक के तरीके से ले लेता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने नंबर डाला था यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से ले लिया है, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर कम नंबर डालता हूँ तो ये साइंटिफिक के तरीके से नहीं लगेगा, सिंपल दिखेगा यहाँ पर, ठीक है दोस्त। यहाँ पर जैसे ये सिंपल दिख रहा है, इसमें भी कोई नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं ये नंबर में डाल देता हूँ। अगर हमें इस नंबर को साइंटिफिक के तरीके से दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जनरल क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोर नंबर्स फॉर्मेट के अंदर चलेंगे और यहाँ पे साइंटिफिक जो है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आप डेसिमल प्लेस भी देख सकते हैं कि आपको डेसिमल प्लेस कितना रखना है, आप यहाँ पर 2 3 जितना भी आपको रखना हो आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम 2 रहने देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इसे ओके कर देते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे सारे नंबर साइंटिफिक तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक ही फंक्शन है और एक ही फॉर्मेट है, यहाँ पर आप फिर से आकर देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर सिर्फ साइंटिफिक में एक ही फॉर्मेट है, जो कि इस तरह से आपका नंबर साइंटिफिक तरीके से शो होता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर कोई भी नंबर डालिएगा आप, जैसे कि मैं इस नंबर को हटा देता हूँ, अब आप इसमें जो भी नंबर डालिएगा ये साइंटिफिक तरीके से दिखेगा, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है कि हम जो टेक्स्ट यूज करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। अगर हम यहाँ पर नंबर डालते हैं तो ये नंबर इस साइड आ जाता है, ठीक है दोस्त। अगर आपको इस नंबर को टेक्स्ट के तरीके से दिखाना है तो आप इस टेक्स्ट वाला फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले कॉलम में टेक्स्ट डालते हैं और इसमें भी हमने टेक्स्ट डाला है। चलिए इसे हम सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर नंबर्स में जनरल नंबर फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पर फिर से हम क्लिक करते हैं नंबर मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर चलते हैं, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्त आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसे ओके कर देते हैं, यहाँ पर फिर से हम क्लिक करते हैं, टेक्स्ट वाला फॉर्मेट यहाँ पर ले चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आइकन बना हुआ है यहाँ पर एरर का आइकन शो हो रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर येलो सिंबल दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि नंबर स्टोर्ड है एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है दोस्त। ये नंबर जो स्टोर किया गया है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर किया गया है। अगर मैं इस नंबर का कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पर कोई अगर फंक्शन लगाता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे कि अगर मैं इस नंबर का प्लस करूँ तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सम में डालता हूँ और यहाँ पर इसे मैं हम सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर सेमी कॉलन डालते हैं, इसे भी सेलेक्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 0 शो हो रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है दोस्त। ये टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट की तरह कोई यहाँ पर नंबर्स आपको शो कराना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट की तरह आप नंबर शो करा सकते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पर सिर्फ आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और जो भी आप नंबर इसमें डालिएगा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट की तरह यहाँ पर शो होगा, ठीक है दोस्त। अब चलिए हम स्पेशल में चलते हैं। जो स्पेशल है इसमें भी हम नंबर डालते हैं कोई, ठीक है दोस्त। स्पेशल में मैंने नंबर डाल दिया, अब इसे चलिए हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पे चलते हैं नंबर फॉर्मेट में और मोर नंबर फॉर्मेट्स और यहाँ पे हम स्पेशल को सेलेक्ट करते हैं। स्पेशल पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीप कोड है, यहाँ पे आपको सैंपल दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पे नंबर शो होंगे। यहाँ पे जो जीप कोड यहाँ पे दिख रहा है इससे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो स्पेशल वाला करेक्टर है कुछ इस तरह से शो होगा। चलिए हम यहाँ पर जीप कोड प्लस मैंने इस नंबर को सेलेक्ट कर दिया है, इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्त अपना जो नंबर था, सिंपल जो नंबर था, यहाँ पर कुछ स्पेशल तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है दोस्त। इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर फिर से हम चलते हैं अंदर और यहाँ पे मोर फॉर्मेट में आते हैं और इसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर आता है और सोशल सिक्योरिटी नंबर आता है, ठीक है दोस्त। चलिए हम यहाँ पे फ़ोन नंबर का भी मैंने एक कॉलम बना रखा है, यहाँ पर हम 10 डिजिट का नंबर डालते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया, चलिए इसे हम सेलेक्ट कर देते हैं और चलते हैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पे मैं स्पेशल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फ़ोन नंबर को, ठीक है दोस्त। फ़ोन नंबर को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसे हम ओके कर देते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। अगर आपको फ़ोन नंबर डालना हो तो आप इस फॉर्मेट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर जो आप जो आपका फ़ोन नंबर होगा कुछ इस तरह से शो होगा। इसके बाद आता है सिक्योरिटी नंबर, चलिए यहाँ पर सिक्योरिटी नंबर भी डाल देते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी नंबर में आपका आ गया आधार नंबर, वोटर आई कार्ड नंबर, पैन नंबर आ गया, ठीक है दोस्त।
जैसे कि आप यहाँ पे 10 डिजिट 15 डिजिट का जो नंबर होता है यहाँ पे डाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम फिर से नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्पेशल को, और यहाँ पे आएंगे हम सोशल सिक्योरिटी जो नंबर है इसी पे हम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो दोस्त आप देख सकते हैं जो अपना जो नंबर है कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे दोस्त कि आधार नंबर पे आपका जो लगता है कुछ इस तरह से आपका सिक्योरिटी नंबर की तरह शो हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे फ्रैक्शन आता है, यहाँ पे फ्रैक्शन में अभी हम कोई नंबर डालते हैं, मैंने यहाँ पे डॉट में नंबर डाल दिया है और इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है दोस्त। और चलते हैं नंबर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में चलने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर किस टाइप का नंबर दिखाना है, जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाना हो आप उस फॉर्मेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए यहाँ पे हम कोई एक फॉर्मेट ले लेते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मेट को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो दोस्त आप देख सकते हैं अपना जो ये नंबर था यहाँ पे कुछ इस तरह से अपना शो होने लगा है, ठीक है दोस्त। अगर मैं यहाँ पे कोई और फॉर्मेट यूज करता हूँ, और फिर से फ्रैक्शन पे नंबर फॉर्मेट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे कोई और फॉर्मेट हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया और इसे मैं ओके करता हूँ, तो कुछ अपना नंबर जो है फ्रैक्शन वाला कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो दोस्त ये था नंबर फॉर्मेट का फंक्शन क्या होता है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, डेट टाइम साइंटिफिक टेक्स्ट स्पेशल फ़ोन नंबर और सिक्योरिटी नंबर और फ्रैक्शन के बारे में आज के वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है दोस्त। अगले वीडियो में मैं इस एक्सेल का कुछ बेहतरीन पार्ट लेके आऊँगा जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रिरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रिरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।